हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूँ फतेहान खान। आपको यहाँ पर मैं पूरा बताने वाला हूँ गेट का पूरा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कितना उसका वेटेज रहता है। आप सभी जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, उसके अलावा 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स पोर्शन रहता है, रिमेनिंग 70 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस लेकर आए हूँ आपके लिए, पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स देखेंगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अगर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या चैप्टर्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि लीनियर एल्जेब्रा है, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ऑफिशियल सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिर्फ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। लीनियर एल्जेब्रा में आएगा मैट्रिक्स एल्जेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। कैलकुलस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, MVT है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेलर सीरीज आएगा। इसके अंदर इवोल्यूशन और ऑफ डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल टू ऑब्टेन एरिया एंड वॉल्यूम, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स, वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पर ये टॉपिक्स हो गए कैलकुलस के। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE की, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड नॉन लीनियर देखने को मिलेगा, इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, आयलर कोची इक्वेशन, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर मिलेगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ पे पूरा टॉपिक देख सकते हैं, फोरियर सीरीज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, लाप्लास इक्वेशन भी आएगी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स में भी आपको पूरा टॉपिक आप यहाँ पर मेंशन हो रहा है, आप पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आता है, तो आपके पास पूरा सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है, ये गेट के थ्रू ही। यहाँ पे कॉल एक चीज और नोट कीजिएगा, किसी भी साल 3 से 5% का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको गेट अगर सिलेबस आप देखेंगे, इसके अलावा ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। एक बात हो गई यहाँ पे मैथमेटिक्स की, अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ पर FBT सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर सारे टॉपिक्स हैं, फ्रिक्शन एंड इसे एप्लीकेशन, सेंटर ऑफ मास, प्री वाइब्रेशन एंड अंडम SDOF सिस्टम। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं जिसको, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्चर थ्योरी, यूनिफॉर्म टॉर्शन, सारा आप टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा सिलेबस रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की, स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बाय फोर्स, एनर्जी मेथड, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, आर्चेस, बीम, केबल एंड फ्रेम्स, डिस्प्लेसमेंट मेथड्स में जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा, ILD रहेगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। फिर बात करेंगे हम CPM कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट की, अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टील स्ट्रक्चर आएगा, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिक्स डिजाइन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो कि CPM भी बोलते हैं जिसको, यहाँ पर CPM पर भी मैंशन है। क्लियर, कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे RCC, PSC में वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट रहेगा, डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, कॉलम, बोन एंड डेवलपमेंट लेंथ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम भी रहेगा इसमें। क्लियर है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस में ही, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही स्टील स्ट्रक्चर भी होगा, अभी तक हमने देख चुके हैं। यहाँ पर लास्ट का टॉपिक रहेगा इसका स्टील स्ट्रक्चर, जहाँ की वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्ट्रेस डिजाइन कॉन्सेप्ट रहेगा, और यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं पूरा टॉपिक वाइज। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है जिसका, 15 मार्क्स का पूछा जाता है, क्योंकि हर साल किसी भी IIT का क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा उसमें 15 मार्क्स से कम का नहीं रहता। सोयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोयल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो 3-phase सिस्टम एंड फेस रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सोयल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम, परमिएबिलिटी, 1D फ्लो, सीपेज थ्रू सॉइल, 2D फ्लो, फ्लो नेट, अपलिफ्ट प्रेशर, पाइपिंग, कैपिलेरिटी, सीपेज फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड क्विकसैंड कंडीशन,
कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, 1D कंसोलिडेशन, टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, मोर सर्कल, अफेक्टिव एंड टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, स्ट्रेस स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले एंड सैंड स्ट्रेस पार्ट। यहाँ पर बात हो गई सोयल मैकेनिक्स की, अब बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन में, ड्रिलिंग बोर होल्स, सैम्पलिंग प्लेट लोड, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, रैंकाइन एंड कॉलम, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्लोप, बिशप्स मेथड, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, बोसिनेस थ्योरी, प्रेशर बल्ब, शेलो फाउंडेशन, तरजागीस एंड मेयरहॉफ, बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, अफेक्ट्स ऑफ वाटर टेबल, कंबाइंड फुटिंग एंड राफ्ट फाउंडेशन, कॉन्टैक्ट प्रेशर, सेटलमेंट एनालिसिस, सैंड एंड क्ले, डीप फाउंडेशन, डायनेमिक एंड स्टैटिक फॉर्मूला, एक्चुअल लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल इन सैंड एंड क्ले, पाइल लोड टेस्ट, पाइल अंडर लेटरल लोडिंग, पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, नेगेटिव स्पिन फ्रिक्शन। ये सब टॉपिक्स हो गए हमारे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन इंजीनियरिंग के। अब बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट दैट इज वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स हम देखें अगर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, कंटिन्यूटी, मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, पोटेंशियल फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो इन पाइप, पाइप नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड इट्स ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग। बात करते हैं हाइड्रोलिक्स की, तो हाइड्रोलिक्स में हमारे पास सब टॉपिक होते हैं फोर्सेस ऑन इमर्स बॉडी, फ्लो मेजरमेंट इन चैनल एंड पाइप्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड, चैनल हाइड्रोलिक्स, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, यूनिफॉर्म फ्लो, GVF एंड वाटर सरफेस प्रोफाइल। हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिक साइकिल, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, वाटरशेड, इन्फिल्ट्रेशन, यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, रिजर्वर कैपेसिटी, फ्लड एस्टिमेशन एंड राउटिंग, सरफेस रन ऑफ मॉडल, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, स्टेडी स्टेट वेल हाइड्रोलिक्स एंड एक्विफर्स, एप्लीकेशन ऑफ डार्सिस फ्लो। ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डार्सिस फ्लो जियोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इरीगेशन में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इरीगेशन, सिस्टम एंड मेथड्स, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ड्यूटी डेल्टा, इवापोट्रांसपिरेशन, ग्रेविटी डैम एंड स्पिलवे, लाइन एंड अनलाइन कैनाल, डिजाइन ऑफ वेयर ऑन परमिएबल फाउंडेशन, क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होंगे, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो हमारे पास तीन टॉपिक, तीन पार्ट्स में, तीन सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दैट इज वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन, म्यूनसिपल सॉइल सॉलिड वेस्ट। अगर बात करते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट में, बेसिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स आपको पढ़ने होंगे, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन, वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, उसके अलावा सीवरेज सिस्टम डिजाइन, क्वान्टिटी ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड, स्लज डिस्पोजल, रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं अगला सब टॉपिक इसकी, इसी के अंदर एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेस ऑफ इम्पैक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड लिमिट्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एयर पोल्यूशन अभी रिसेंटली कट हुआ है, यहाँ पर आपको एयर पोल्यूशन नहीं पढ़ना होगा, इसको मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एयर पोल्यूशन ये अब तक पूछा जा रहा था, इसको मैं इंटेंशनली लेकर आया हूँ कि अभी तक स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं और इसको पढ़ते हैं, बट ध्यान रखिएगा एयर पोल्यूशन कम्प्लीटली कट हो चुका है रिसेंटली जो अपडेटेड सिलेबस था इसमें से। तो ये स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वो पुराना सिलेबस उठाकर देखते हैं उसमें से, तो अभी के लिए मैं लेकर आया हूँ कि इसमें से क्या चीज़ आपको काटनी होगी, एयर पोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना, क्लियर है। बात करते हैं इसी का सब टॉपिक दूसरा, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इंजीनियर्ड सिस्टम फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज, रिसाइकल, एनर्जी रिकवरी, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, क्लियर है। ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी हमारा फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
हाईवे पेमेंट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास होता है सब टॉपिक्स जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, स्पीड एंड कांट, कॉन्सेप्ट ऑफ एयरपोर्ट रनवे लेंथ, कैलकुलेशन एंड करेक्शन, टैक्सी वे एंड एग्जिट टैक्सी डिजाइन। हाईवे पेमेंट दूसरा इसका टॉपिक रहेगा। हाईवे पेमेंट में हाईवे मटेरियल, डिजायरेबल प्रॉपर्टी एंड टेस्ट, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्सचर, डिजाइन फैक्टर्स फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। फिर रहेगा डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट यूजिंग IRC कोड्स। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक स्टडीज ऑन फ्लो एंड स्पीड, पीक आवर फैक्टर, एक्सीडेंट स्टडी, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक डाटा, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ ट्रैफिक फ्लो, फंडामेंटल रिलेशनशिप, ट्रैफिक डिजाइन, सिग्नल डिजाइन बाय वेबस्टर मेथड, टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन, हाईवे कैपेसिटी। ये रहा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। अब लास्ट में हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या आता है। ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग जिसको सर्विंग के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग में रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, एरर एंड देयर एडजस्टमेंट, मैप स्केल, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट, लेवलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रांसट्रावर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन सर्विंग, टोटल स्टेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। फिर उसी में रहेगा हमारा फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग, स्केल, फ्लाइंग हाइट, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ये सब टॉपिक्स रहेंगे हमारे सर्वेइंग के अंदर। यहाँ तक आपको पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, गेट ओरिएंटेड जो भी हमारे से पूछा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं होते, जो चेंजेस मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसका पूरा मैं PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को जो क्वेरीज रहती है इसका PDF चाहिए होता है, यहाँ पे आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकला के अपने सामने रख सकते हैं, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड भी आपकी पढ़ाई हो सके। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए जो भी एड एंगल गेट की तैयारी के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी। और हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको पूरा गेट ओरिएंटेड आपको सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी है यहाँ पर, और सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब पर ही पूरी सीरीज, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। Now install all new Edangle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edangle, karo life ki tayari.